के चलते हर कोई अपना सहयोग कर रहा है। इसी के मद्देनजर यूथ ऑफ नूरपुर अंगेश ड्रग टीम की आज एक बैठक की और बैठक में टीम ने निर्णय लिया कि वह इस महामारी के चलते हो रही खून की कमी को पूरा करने के लिए सहयोग करेंगे। इसी के मद्देनजर शनिवार 5 जून को आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जिसूर में एक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। यूथ ऑफ नूरपुर अंगेश ड्रग के अध्यक्ष रवि मेहरा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में कहीं ना कहीं खून की कमी पड़ती रहती है, हम उसी कमी को पूरा करने में सहयोग करेंगे। उन्होंने नूरपुर इलाका वासियों, समाजसेवी संस्थाओं, युवा मंडलों से अपील की है कि वह इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस मुहिम को सफल बनाने में सहयोग करें। आज यूथ ऑफ नूरपुर ने एक निर्णय लिया है, जो कोरोना काल में चलते हुए हॉस्पिटल में जैसे ब्लड की कमी आ रही है, तो उसमें यूथ ऑफ नूरपुर अंगेश ड्रग्स ने एक 5 जून को शनिवार को ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगाया है। तो मैं सभी नूरपुर वासियों के और अपने जितने भी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अपने बड़े भाइयों से और छोटे भाइयों से जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, वो इस ब्लड डोनेशन कैंप का एक हिस्सा बने और कोरोना काल के चलते हुए जो ब्लड की कमी आ रही है उसको पूरा करें। और मैं जितने भी NGOs हैं, जितने भी जो युवा मंडल है, जितने भी संगठन हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में एक हिस्सा बने और इसको एक सफल बनाएं। धन्यवाद। ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स क्लब के जो युवा लोगों ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाए। मैं यहाँ के इलाका वासियों के युवाओं से ये आह्वान करता हूँ कि सभी बच्चे जो है, यूथ जो है, वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि अभी जो खून की जो कमी हॉस्पिटल में आ रही है, ब्लड की कमी जो हॉस्पिटल में हो रही है, उसको पूरा किया जा सके। इस टाइम सुनने में ये आ रहा है कि इस टाइम हमारे जो है वो नियर बाई हॉस्पिटल्स में बहुत ब्लड की कमी है और इस कमी को केवल युवाओं के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। और मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वो सभी इस ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसमें केवल वही बच्चे भाग लें, वही यूथ भाग लें जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। धन्यवाद।